सावधान, ये आपकी या मेरी भी कहानी हो सकती है। एक रात की बात है, एक बूढ़ा आदमी कंप्यूटर पर बैठ के अपना कुछ काम कर रहा था। अचानक उसे कंप्यूटर पर एक ईमेल आता है। अपनी बूढ़ी आंखों से वह उस मेल को पढ़ने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि उसके बैंक से आया हुआ ये मेल है। मेल को खोलते ही उसे एक अटैच डॉक्यूमेंट मिलता है। उसको दबाते ही उसका डेस्कटॉप हैक हो जाता है। उसके समझने से पहले ही उसके बैंक में से उसकी ज़िंदगी भर की कमाई पूंजी एक ही सेकंड में चोर हो जाती है। वो कुछ समझ पाता उसके पहले वो कंगाल हो चुका था। क्या करता, रात भर वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता रहा। एक दो घंटे तक के तो किसी ने फ़ोन उठाया नहीं, और जब उठाया तो किसी मशीन ने आवाज़ दी, कृपया अपने बैंक में जाके आवेदन दे। मरता क्या ना करता, ये बूढ़ा आदमी सुबह सुबह बैंक पहुँचा। उसने अधिकारी को बताया उसके साथ में क्या घटा है। बैंक वालों ने हाथ खड़े कर दिए, इल्ज़ाम बूढ़े आदमी पर ही लगाना शुरू कर दिया कि ये तुम्हारी गलती है जिसके वजह से तुम्हारा बैंक का अकाउंट खाली हो चुका है। इस स्कैम को रोका जा सकता था, और बहुत ही आसान तरीका है इस स्कैम को रोकने का। बैंक को पता होता है कि आपकी औकात क्या है। जीवन भर में आपने कभी भी 10 से 20,000 रुपये से ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं किया है ऑनलाइन, तो बैंक को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि रात के 1-2 बजे कोई बूढ़ा आदमी 10 से 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन क्यों करेगा, वो भी ऑनलाइन। इसका एक सिंपल उपाय है, बैंकों ने हर एक अकाउंट धारक से एक एग्रीमेंट लिखवाना चाहिए जिसमें अकाउंट धारक ये बोल रहा है कि जब तक मैं बैंक में खुद आके अपने हाथों से कोई डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करता, तब तक के 10,000 अथवा उसकी चुनी हुई रकम से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रोक देना चाहिए। इतना आसान है ये स्कैम रोकना, क्या लगता है आपको ये क्यों नहीं हो रहा है? कई बैंक वाले तो नहीं इसमें इन्वॉल्व हैं? सतर्क रहिए।